हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, इसमें इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं खाली डाउट्स आपके क्लियर करूँगा और खाली आपको बेसिक्स बताऊँगा कि आखिर जो आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। दोस्तों, आप एक चीज़ जानिए कि अगर ये हम जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमारी आँख यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, और अगर हम यहाँ से, ये लाइन ऑफ साइट होती है, यहाँ से मान लीजिए ये कोई मकान है, इसकी ये छत है, यहाँ से इसकी छत के कोने को देख रहे हैं, तो दोस्तों जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन या उन्नयन कोण। दोस्तों, मान लीजिए कि जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से मकान की जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और दोस्तों, अगर मान लो कि मकान की छत से कोई आदमी खड़ा है या उस मकान की छत पे कोई आदमी है और वो नीचे वाले आदमी को देख रहा है, ठीक है, तो वो जो एंगल बनाएगा लाइन ऑफ साइट और परपेंडिकुलर, उसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन के साथ, ठीक है, वो जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ यहाँ का, यानी ये आदमी इधर को देख रहा है, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई बेसिक की। दोस्तों, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जो भी मकान हो या फिर खिड़की हो या फिर कुछ भी बात की जाए। दोस्तों, एक इसके बाद एक और तरह का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, मकान तो है लेकिन उस पर झंडा भी लगा होता है। तो दोस्तों, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप कोई आदमी है, यहाँ पर कोई मकान है, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस मान लो कुछ भी है, 10 मीटर है, ठीक है। मान लो दोस्तों कि ये मकान है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है, उसके बाद इस पर एक झंडा भी लगा हुआ है। झंडा कैसे लगा है? झंडा लगा है, मैं झंडा बनाता हूँ, ये मैंने झंडा बना दिया, पता नहीं किस देश का झंडा है लेकिन ये झंडा है दोस्तों, ठीक है, ये मैंने झंडा बना दिया। अब दोस्तों, मान लो कि झंडे के शीर्ष से इस आदमी का जो भी कोण है वो दे रखा है हमें, ठीक है, वो कोण, यानी ये शीर्ष से ये लाइन ऊपर तक जा रही है, शीर्ष पे जा रही है, ये पूरा दे रखा है हमें 30 डिग्री मान लो, ठीक है, और इसका जो वो है यानी झंड यानी मकान की जो ऊंचाई है वहाँ से कोण दे रखा है, लेट से, ठीक है, वहाँ से कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये कोण अलग होगा और ये कोण अलग होगा। दोस्तों, ये जो कोण बनेगा पूरा वो 30 होगा, और दोस्तों इसको मैं थोड़ा कम ले लेता हूँ, उसको मैं 20 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा इस लाइन के साथ वो 20 है, तो ये एंगल हो जाएगा 20। दोस्तों, ये दो मैं क्यों इसको 30 30 लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनको एक लाइन काटती है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ बनता है, उनको बोलते हैं एकांतरअंतः कोण, या ऐसा कह सकते हो ये जेड वाले एंगल हैं, जेड वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, ये जेड वाले एंगल है। तो इस तरह ये जो जेड बनेगा वो एंगल पूरा बराबर होगा और ये जो जेड बनेगा वो एंगल पूरा बराबर होगा। तो दोस्तों, ये तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे वेरी करेंगे, वो मैं बताऊंगा आगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ों को आप समझिए पहले और इतनी चीज़ों को नोट डाउन करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस कैसे करनी।